लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नूरपुर के निर्वाचन कानगो संजय शर्मा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के प्रबंध के बारे में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल वोट 88,154 है, जिनमें से 44,718 पुरुष व 43,436 महिलाएं हैं। नए वोटर 1,716 जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, उनमें से पुरुष 866 व महिलाएं 850 हैं, जिनमें 115 बूथ हैं, 10 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं, 11 सुपरवाइजर लगाए गए हैं जो कि निरीक्षण में लगेंगे, 3 फ्लाइंग स्केट टीम जो कि जगह जगह नाके लगा करके चुनाव संबंधी जानकारी दे रही है। इस बार सभी मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन के विशेष आग्रह है कि जो भारत निर्वाचन आयोग का दिव्यांग वोटर है उनके लिए खास सुविधाओं का आयोजन किया गया है। आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, पानी का प्रबंध, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर सुपरवाइजर दिव्यांग वोटर को स्पेशल मतदान केंद्र तक ले जाएंगे और वापस छोड़ने भी जाएंगे। संजय शर्मा ने कहा कि नए वोटर 18 से 19 के हैं, उनको स्पेशल प्रोत्साहन के लिए एक लॉटरी सिस्टम भी रखा गया है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के प्रबंध के बारे में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त टोटल वोट 88,154, जिसमें से 44,718 मेल, 43,436 फीमेल वोटर हैं। नए वोट जो 1,716 बने हैं, उनमें से 866 पुरुष और 850 औरतें जो अभी मार्च और अप्रैल महीने में दर्ज हुए हैं, जिसमें 115 बूथ हैं और 10 सेक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं, 11 सुपरवाइजर हैं जो कि इनके हमारे जो निरीक्षण में लगे हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वायर टीम हमारी 3 और 3 हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम जो कि कार्यरत हैं, जो जगह जगह पर जाकर के नाके लगा करके लोगों के जो भी इलेक्शन संबंधी जानकारियाँ हैं उनको देख रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और उनको निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी मतदाताओं को इस बार के जो लोकसभा निर्वाचन के विशेष आग्रह है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग वोटर हैं, उनके लिए स्पेशल सुविधाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें रैंप, पीने का पानी, वॉलंटियर्स जो हमारे स्वयं सेवक होंगे वो भी वहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि उनको असिस्टेंस मिल सके। आने जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर सुपरवाइजर उन जो हमारे दिव्यांगजन वोटर हैं उनको स्पेशली लेकर के मतदान केंद्र तक लेकर के आएंगे और फिर वापस उनको अपने घर तक भी पहुँचा के आएंगे। इस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशन दिया गया है। और साथ ही हमारे जो नए वोटर हैं 18 से 19 साल के लिए, उनको स्पेशल प्रोत्साहन के रूप में एक हमारे लॉटरी सिस्टम भी रखा गया है, जिसमें कि 18 से 19 साल वालों को जो हमारे स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उन सभी लोगों को वोट पहली बार वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो व्यक्ति इसके इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से भली भांति बताता रहे उन लोगों के लिए जो हमने डाक टिकट दी गई और उसके बाद इनाम भी उनको दिया जाएगा। इसके आयोजन के साथ साथ हमने यहाँ नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में इसका एक डेमोक्रेसी फॉर क्रिकेट एक मैच हो चुका है, जो कि हमारे ऑफिसर्स के साथ हुआ था, एडवोकेट्स के साथ, और अभी जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो हमारा नए वोटर्स का जो आपस में करवाया जा रहा है वो ITI नूरपुर में जो अति शीघ्र करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ये जो मतदान केंद्र स्तर पर हमारे सेक्टर सुपरवाइजर सेक्टर ऑफिसर्स विजिट कर चुके हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोई सुविधा जो मतदाताओं के लिए रखी गई है उनका जो है इस द्वारा फिर से निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कोई किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो उसे तुरंत निराकरण करने के लिए BLO को अधिकृत किया गया है और समस्त जो हमारे मतदान केंद्र की बिल्डिंग के जो मालिक विभाग हैं उन सभी से गुजारिश की गई है, उनको पत्र दिए जा चुके हैं कि वो अपने मतदान केंद्र पे जिस भी तरह की कोई त्रुटि है, कमी है, तो उनको पूरा करें और मतदाता की पूरी सुविधा के लिए जो है उनका प्रेरित करें। और साथ में हमारे जो इस लोकसभा निर्वाचन 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए अभी तक भी हमारी टीमें तीसरे राउंड में हर पोलिंग स्टेशन पर जा रही है और हर जनता में हर किसी को विद EVM VVPAT की जानकारी जो लोगों को दी जा रही है, किस तरह से वोट करना है और किस तरह से उसको 7 सेकंड की जो पर्ची दिखती है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। PLTV के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।